नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। देखो, पंजाब विच तो कॉन्स्टेबल का एग्जाम पहली बार हो रहा है, इस करके मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई टॉपिक सूझ नहीं रहा है कि किस टाइप के क्वेश्चन कॉन्स्टेबल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पंजाब विच कॉन्स्टेबल रिलेटेड पहला कदम एग्जाम नहीं हुआ। डायरैक्ट भर्ती होंगी सी फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बेस से, पर इस तो बाद मैं सोचा कि आप चलो दिल्ली कॉन्स्टेबल का एग्जाम होया उसको आप एनालाइसिस करते हैं, राजस्थान कॉन्स्टेबल का एग्जाम होया उसको आप एनालाइसिस करते हैं। तो उन्होंने एग्जामों एनालाइसिस करने तो बाद मैं देखा कि मोस्टली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक नाल रिलेटेड क्वेश्चन ने वो अपने इसरो नाल रिलेटेड, मतलब कि इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर नाल रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेबल के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यूपी राजस्थान ते दिल्ली कॉन्स्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप पंजाब कॉन्स्टेबल में भी इन्हों रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जल्दी नाल चैनल को सबसक्राइब करो तो अपने नोटबुक में चक के उससे राइट डाउन जरूर कर लो इन्हों क्वेश्चन। स्टार्ट कर लेने टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसरो रिलेटेड। तो सब तो पहला एक क्वेश्चन यह बनता है कि विज्ञानियों ने साढ़े सौर मंडल में हूँ तक का सब तो दूर का हिस्सा खोजा है, जिसन 2018 VG18 इसका उपनाम की दिता गया फार आउट, जिसका मतलब दूर हों फार आउट, इसका शोर्ट नेम इन्होंने दिता गया है। क्वेश्चन नंबर टू की गल करिए, हेठ लिखा कि कंपनी ने पत्रकारी यानी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस प्रोजेक्ट बनाने लिए पोलिस एक कंपनी है फोरन की कंपनी नाल साझेदारी का ऐलान किया है। तो गूगल कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस प्रोवाइड करवाने का इन्हों एक कॉन्ट्रैक्ट होया है। तो क्वेश्चन नंबर तीन की गल करिए, पुलाड़ विच भारत का मनुखी मिशन इसरो लॉन्च वाहन डैश की वरतों किया जाएगा, किड़े वाहन के नाल लॉन्च किया जाएगा? तो GSLV MK3 नाल यह मिशन कंप्लीट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर की गल करिए, नासा डैश पड़ताल तारिया के विचकार अंतर तारा स्पेस अते जां स्पेस विच दाखल होने वाली मनुखा द्वारा बनाई गई दूजी इकाई बन गई है, तो यात्री टू जिन्हों आप वोयगर टू भी कह दें। क्वेश्चन नंबर फाइव की गल करिए, इसरो का पूरा नाम की है? एग्जाम में काफ़ी बार पूछ भी लिया गया है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन इसरो का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की गल करिए, इसरो का चेयरमैन कौन है? तो फिलहाल 2021 जो चेयरमैन है के शिवान नामक एक साइंटिस्ट है जो इसरो का चेयरमैन है। एंड दोस्तों, अगे चलने तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन तो डेली है, जो तुम पंजाब कॉन्स्टेबल रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय करना चाहते हो जिसका प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है, तो यह मेरा इंस्टाग्राम आई डी नंबर है, इससे मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी तुम लै सकते हो। काफ़ी कैंडीडेट्स ने यह PDF फाइल ऑलरेडी बाय कर ली है, जो तुम भी अपने एग्जाम की तैयारी में परफेक्ट बनाना चाहते हो तो इन्हें PDF फाइल में एक बार जरूर बाय कर लो। कि दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सत्त की गल करिए, इसरो का मुख्य दफ्तर कितने है? हैडक्वाटर कितने है? बैंगलोर में है। क्वेश्चन नंबर एट की गल करिए, इसरो की स्थापना कदों की गई थी? तो 15 अगस्त 1969 की गई थी। क्वेश्चन नंबर टेन की गल करिए, डैश नाम बिजली के बल्ब नाल जुड़िया हुआ है, तो थॉमस एडिसन का नाम जोड़ा जिन्हें थॉमस एडिसन से जिन्होंने बिजली के बल्ब की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 11 की गल करिए, डैश इसरो का पहले चेयरमैन सन तो बिक्रम साराभाई। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हों फादर ऑफ इसरो यानी स्पेस रिसर्च सेंटर का फादर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की गल करिए, बाल पॉइंट पेन की खोज किसने की? लैजलो वीरो नामक साइंटिस्ट से जिसने बाल पॉइंट की खोज की। तो क्वेश्चन नंबर 13 की गल करिए, टैलीग्राफ की खोज किसने की? ई टैरिसिली नामक साइंटिस्ट ने टैलीग्राफ की खोज की। जेडे भी दिल्ली कॉन्स्टेबल, राजस्थान कॉन्स्टेबल तो यूपी कॉन्स्टेबल के एग्जाम क्वेश्चन आए थे उन्होंने रिलेटिड के इस वीडियो में क्वेश्चन इनकलूड किए हुए हैं। उन्होंने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को एनालाइसिस करके आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कॉन्स्टेबल के बेस से आप देखने को मिल सकते हैं, कॉन्स्टेबल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की गल करिए, स्याही वाला पेन जिन्हों आप फाउंटन पेन के नाम ना जानते हैं उसकी खोज किसने की? तो वाटर मैनक नामक एक साइंटिस्ट से जिसने फाउंटन पेन की खोज की। क्वेश्चन नंबर 15 की गल करिए, 1913 परमाणु बैटरी की खोज किसने की? तो हैनरी मोजले ने परमाणु बैटरी की खोज की। काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 की गल करिए, यह सिद्धांत की डायनासोर धरती उत्ते एक बड़े ग्रह के प्रभाव तो बाद अलोप होने प्रेरित किया गया किस द्वारा दिता गया? मतलब समझो यह गल, पहले डायनासोर से अपनी धरती से एक उल्का पिंड डिग गया अपनी धरती से, सारे जिहड़े डायनासोर से वह नष्ट हो गए, वह मर गए। तो यह थ्योरी किसने दी? तो लुईस अल्वरेज़ नामक साइंटिस्ट ने यह थ्योरी दी।
क्वेश्चन नंबर 17 की गल करिए, भारत के दूजे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 लई लैंडर का नाम की सी, जिस थ्रू मतलब कि लैंड करवाया सी चंद्रयान, उसका नाम की सी तो विक्रम लैंडर सी। तो क्वेश्चन नंबर 18 की गल करिए, इसरो का पुराना नाम की सी तो INCOSPAR, जिन्हों पंजाबी विच आपां पुलाड़ खोज लई भारतीय राष्ट्रीय कमेटी दे नाम नाल जानदे आ। क्वेश्चन नंबर 19 की गल करिए, इसरो सूरज के अध्ययन करने लिए किहड़ा मिशन लॉन्च करेगी, तो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करेगी। ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड दोस्तों एक होर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, कमेंट भी कर दिया करो, तो चैनल में सबसक्राइब भी कर दिया करो। दसो अपना कुछ घसदा तो है नहीं, है ना, अपना बिल आता जस्ट मैं मोटिवेट हो जाता कि हाँ मैं जी इनफॉर्मेशन तुम्हें दे रहा तुहाडे लई बेनीफिट साबित हो रही है, इसलिए कि कैंडीडेट मेरे नाल जुड़ रहे हैं तो जो होर वधिया वधिया वीडियो तुहानू मैं प्रोवाइड करवा। एंड क्वेश्चन नंबर 20 की गल करिए, भारत के मिसाइल मैन वजो किसू जाना जाता है, तो अब्दुल कलाम भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, तो भारत का रोकेट मैन केशवान कहा जाता है, तो भारत की रोकेट वूमैन रितु करिधल नामक एक फीमेल है जिन्हों भारतीय रोकेट वूमैन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की गल करिए, इसरो के पहले चेयरमैन विक्रम साराभाई पुराड़ स्टेशन का मुख्य दफ्तर कितने है, मतलब इसरो का एक दफ्तर है जिसका नाम विक्रम साराभाई स्टेशन है, वह कितने है, केरल में है, तिरुवनंतपुरम है। क्वेश्चन नंबर 24 की गल करिए, पुलाड़ भारतीय पुलाड़ का पिता किसू मनाया जाता, जिम्मे कि तुम्हें मैं दसा सी फादर ऑफ स्पेस रिसर्च इंडियन किसू कहा जाता है, विक्रम साराभाई कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 की गल करिए, भारत द्वारा बनाए गए पहले आर्टिफिशियल उपग्रह का नाम की है, तो आर्यभट्ट जिहड़ा 19 अप्रैल 1975 लॉन्च किया गया सी। क्वेश्चन नंबर 26 की गल करिए, भारत का पहला आर्टिफिशियल उपग्रह आर्यभट्ट किस देश के कोसमोस 3M रॉकेट की मदद नाल पुलाड़ भेजा गया सी, तो रूस देश के ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 27 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, RBI ਦੁਆਰਾ ਆਰਿਆਭੱਟ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਡੈਸ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਉੱਪਰ ਇਹ ਛਾਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 28 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਰਿਆਭੱਟ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਲਾਂਚ ਸਮੇਂ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸਨ, ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਨਾਮਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਜੋ ਆਰਿਆਭੱਟ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ। क्वेश्चन नंबर 29 की गल करिए, इसरो ने 15 फरवरी 2017 इकट्ठे किन्ने उपग्रह भेज के हुण तक दे सब तो वध उपग्रह भेजण का अपना रिकॉर्ड कायम किया, तो 15 फरवरी 2017 104 उपग्रह इसरो ने भेजे सी। तो क्वेश्चन नंबर 30 की गल करिए, इसरो ने 15 फरवरी 2017 किस रॉकेट की मदद नाल पुलाड़ 104 उपग्रह भेजे, तो PSLV-C-37 नामक एक रॉकेट से जिसकी मदद नाल 104 उपग्रह भेजे सी, ते इसका PSLV का पूरा नाम पोलर सिस्टम लॉन्च व्हीकल सी। क्वेश्चन नंबर 31 की गल करिए, इसरो ने मंगल मिशन कदों शुरू किया सी, नवंबर 5, 2013 मंगल मिशन शुरू होया सी, इस उत्ते एक फिल्म भी काफ़ी चंगी बनी हुई है, आई होप तुसी देखी होगी, अक्षय कुमार की फिल्म है मिशन मंगल, जे नहीं देखी तो एक बार जरूर देखो, यूट्यूब से तुहानू ईजीली मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 की गल करिए, भारत के पहले रिमोट सेंसिंग उपग्रह का नाम की सी, IRS-1A रिमोट सेंसिंग उपग्रह से। क्वेश्चन नंबर 33 की गल करिए, इस वेले भारत का पुलाड़ मंत्रालय किस को है, मिनिस्ट्री स्पेस रिसर्च मिनिस्ट्री किस को है, नरेंद्र मोदी को है। क्वेश्चन नंबर 34 की गल करिए, विद्यक उद्देशों भारत का पहला उपग्रह किड़ा सी, EDUSAT जिसनों हूँ आप GSAT-3 के नाम भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की गल करिए, 2019 मिसाइल सिस्टम अवार्ड किसू दिता गया सी, सतीश रेड्डी जो हूँ तो अपना चेयरमैन जिहड़ा इसरो का चेयरमैन है केशवान है, इस तो पहला सी जिहड़ा सतीश रेड्डी सी, तां उन्होंने मिसाइल सिस्टम अवार्ड दिता गया सी 2019। क्वेश्चन नंबर 36 की गल करिए, भारत के पहले संचार उपग्रह का नाम दसो, एप्पल इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 37 की गल करिए, पुराड़ जाने वाले भारतीय मूल की पहली फीमेल कौन सी, तां कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 38 की गल करिए, पुलाड़ विच जाने वाली भारतीय मूल की पहली कल्पना चावला किस वाहन की मदद नाल पुलाड़ विच गए सी, तां कोलंबिया स्पेस शटल नामक एक वाहन सी। ते क्वेश्चन नंबर 39 की गल करिए, इसरो किस पुलाड़ एजेंसी के सहयोग नाल लूपैक्स 2024 चंद्र मिशन की शुरुआत करेगा, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जैक्सा नामक एक एजेंसी है जिसकी हैल्प नाल जिस दे सहयोग नाल एक लूपैक्स मिशन की शुरुआत करेगा, जिस दे थ्रू चंद्र अपने चन्न ते पूरी इंक्वायरी की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 की गल करिए,
लुपैक्स का पूरा नाम की है तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसका पूरा नाम है। ओके दोस्तों, ये तो साइंस एंड टैक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जो होर कोई जानकारी तुम लेना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम से फॉलो करके या वीडियो में कमेंट करके दस दौ, तो मैं नैक्सट क्लास तुम्हें उस टॉपिक रिलेटेड भी प्रोवाइड करवा देंगे जी तुम्हें नीड है।